कहने का भाव इतना सा है कि भागवत जी कहती हैं कि मेरा देवता, भागवत कह रही है, हम नहीं कहते, भागवत कह रही है, स्वयं भागवत जी कहती हैं कि मेरा देवता श्री कृष्ण है, अर्थात श्री कृष्ण पुराण है। भागवत पुराण और कोई नहीं, श्री कृष्ण की ही पुराण है, मेरा देवता श्री कृष्ण है। दूसरा भागवत जी कहती हैं, जो मुझे सुनाता है उसी का नाम सुख देने वाला और सुख पंची रूप सुखदेव है, सुखदेव जी महाराज। यानी भागवत आप सभी को बतला रही है कि मेरा जो देवता है वह कृष्ण है, इस ग्रंथ का देवता श्री कृष्ण है, और इस ग्रंथ को जिसने सुनाया है उसका नाम क्या है, सुखदेव। और किसको सुनाया, राजा परीक्षित को। भागवत जी ने कहा कि जब सुखदेव जी महाराज का जनेऊ आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, तब वह माता के गर्भ से प्रकट हो गए थे, कितने वर्ष के, 12 वर्ष के। 12 वर्ष के सुखदेव जी महाराज ना तन पर कपड़ा रखते हैं, ना तन पर पत्ता रखते हैं, यूं ही भगवान की मस्ती में विरक्त होकर वन को चले जाते हैं। वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज के पिता हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको, हे सुखदेव रुको। परंतु सुखदेव जी को तो महाराज भगवान नारायण का वरदान है कि हे सुखदेव तुम्हें मेरी माया कभी नहीं सता सकती, कभी नहीं सता सकती। इसलिए सुखदेव जी ने जन्म तो लिया, परंतु जन्म लेते ही वन को चले गए, और लाडले लाल का, प्रिया प्रीतम का, परब्रह्म का, निराकार का, साकार का ध्यान करने लगे।